हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और लवी गई है सनी को छोड़ने के लिए स्कूल। तो लवी के जाने के बाद, स्कूल छोड़ के आने के बाद ही मैं अपने काम में लगी थी। तो मैंने सबसे पहले लगाई मशीन कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मशीन में डालने थे मुझे कपड़े, काफ़ी सारे कपड़े थे। और मैं ना सिंपल सर्फ यूज करती हूँ कपड़ों में। मैं लिक्विड सर्फ कभी कभी यूज करती हूँ जब मुझे वॉश करने होते हैं कुछ, मतलब ऊनी कपड़े या फिर कुछ नए कपड़े। उसके बाद ही मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करती हूँ, मतलब लिक्विड सर्फ में। बाकी सिंपल सर्फ इसमें काम कर जाता है, और 2 साल हो चुके हैं मुझे मशीन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसा। और उसके बाद ये जो था ना, मैंने हाइट बढ़ाने के लिए लगाया था अपनी डॉटर के लिए, तो इसमें ना ग्रिप नहीं थी यहाँ पर आने के लिए। ग्रिप साइडों में तो दी हुई थी बट यहाँ बीच में नहीं थी। तो यहाँ पर ना मैं एक टावल लपेट रही थी जिससे कि उसको पकड़ने में आसानी रहे। तो इस तरह से ना एक टावल लपेट दिया मैंने जिसको पकड़ के ये लटक सकती है। तो ये टावल मैंने बांध दिया था। और उसके बाद ना इस कमरे में मैंने लगा दी थी झाड़ू। मोस्टली इस कमरे में ना मेरा कान्हा जी की ड्रेस बनाने का ही काम होता है, तो उसी का ही सामान वगैरह फैला रहता है यहाँ पे। और तो इसी वजह से ना मैं कभी, जैसे 1-2 दिन हो जाता है ना, तभी सफाई करती हूँ 2-4 दिन बाद ही कमरे में। तो इसी वजह से ना इसमें कोई आता जाता भी नहीं है ज़्यादा, तो इसी वजह से। और उसके बाद मैंने की बालकनी की क्लीनिंग। तो यहाँ पर ना मेरे कुछ गमले थे जिनको मैंने हैंग कर दिया था रेलिंग से, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही रखे हुए थे यहाँ पर। तो मैं इन्हें रेलिंग पर हैंग कर दूंगी, और उसके बाद मैं धोऊंगी इसको, बालकनी को साफ करूंगी, क्लीन करूंगी। तो यहाँ पर ना मैंने पाइप लगा लिया था, और पाइप लगाने के बाद मैं यहाँ पर क्लीन करने लगी। क्या ना कि बालकनी बहुत छोटी सी है, तो जिसकी वजह से ना मुझे क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। छोटी बालकनी की यही प्रॉब्लम होती है। और इस बालकनी में ही मुझे कपड़े सुखाने होते हैं विंटर्स में, गर्मियों में सॉरी ना। और गमले भी मैं यहीं पर रख दूंगी, अभी गर्मी आ रही है तो यहाँ पर ही गमले रख दूंगी अपने सारे लाकर ऊपर से। तो थोड़े थोड़े से गमले एक साथ तो मैं नहीं रखूंगी, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके रख दूंगी। और यहाँ पर देखिए, मैंने झाड़ू से वॉश कर दिया पहले इसको, और उसके बाद मैं इसको वाइपर से क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पर जो ये गंदा गंदा हो रहा है ना यहाँ पर, ये जब यहाँ पर पेंट वगैरह हुआ था ना, तभी के निशान हैं ये पेंट के। और ये खिड़कियाँ भी ख़राब हो रही हैं काफ़ी, क्योंकि बारिश का पानी जो आता है ना वो खिड़कियों पे आता है, तो जिसकी वजह से खिड़कियाँ सारी ख़राब हो चुकी हैं। तो इस तरह से ये ना बाहर की तरफ है ना खिड़कियाँ, तो इनके ऊपर ना कुछ लगनी चाहिए थी, ऊपर सेल्फ वगैरह ना कुछ लगनी चाहिए थी। जो हमारा छज्जा बना हुआ है ना, वो काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है इस वाले कमरे के ऊपर जो बना हुआ है। ये कमरा हमारा हाइट में काफ़ी ऊंचा है, जिसकी वजह से इसको, मतलब इसकी जो खिड़कियां ना वो ख़राब हो जाती हैं। और उसके बाद ना धोने के बाद मैंने ये पाइप लपेट कर रख दिया था ताकि, और उसके बाद मैं वाइपर लगा दूंगी यहाँ पर सारे में। वाइपर से मैंने क्लीन कर दिया है। और ये जो निशान लग रहा है ना यहाँ पे ना, पहले वॉश बेसिन लगाया हुआ था जो कि मैंने निकलवा दिया था, क्योंकि यहाँ पर ना क्लीनिंग नहीं हो पाती थी अच्छे से। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे गमले ला कर रख दिए थे छोटे वाले। और धीरे धीरे इन गमलों को मुझे पेंट भी करना है, पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी मेरे पास। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इनकी कर दूंगी इनको पेंट, क्योंकि गमले पेंट करने से ना देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और यहाँ पर मैंने सारे गमले अपने लगा दिए थे, ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये वाले मेरे लटकने वाले जो गमले थे वो थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ना मैं जीने की कर रही थी सफाई, तो मैंने ना आज इस कमरे की सफाई कर दी थी बड़े वाले रूम की, और इस जीने की भी क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि जीने में ना काफ़ी सारी धूल मिट्टी हो रखी थी। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर वॉश करने के लिए। ये थी मेरी टेबल मैट जिनको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था पहले, और उसके बाद मैं इनको क्लीन कर दूंगी अच्छे से। पहले मैं साबुन लगा दूंगी और उसके बाद इनको वॉश कर दूंगी पानी से अच्छे से। तो इस तरह से क्लीन हो जाएंगे। ये मैंने 2-3 मैट एक साथ ही धोने के लिए रखी थी, दोनों तीनों मैट एक साथ ही मैं वॉश कर दूंगी यहाँ पर। और इन सबको वॉश करने के बाद मैं शूज पड़े थे बच्चों के, वो भी वॉश करके रख दूंगी, क्योंकि बच्चे अब स्कूल तो जाएंगे नहीं। और जो भी सर्फ बचा था उससे मैं ये पायदान साफ कर दूंगी, जो भी पायदान पड़े थे आगे। होता क्या है ना कि जब हम लोग कोई काम फैलाते हैं ना, तो हाउसवाइफों का यही होता है, तो बचाने के लिए सोचते हैं। तो मैंने सोचा ये जो सर्फ इसका डाला हुआ है वो वेस्ट जाएगा, इससे अच्छा तो ये पायदान डाल देती हूँ, तो ये पायदान भी वॉश हो जाएंगे। और ये देख लीजिए मेरा कमरा हो गया है क्लीन झाड़ू पोछे से।
लेकिन यहाँ पर ना कुछ कपड़े रखे हुए हैं इधर साइड में। ये कपड़े हैं सर्दियों के जो कि मुझे रखने हैं उठाकर बेड के अंदर, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था यहाँ पर। और ये बच्चों की बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक दो दिन देख लेती हूँ, अभी पेपर ख़त्म हो जाएंगे बच्चों के तो उसके बाद मैं इनको रख दूँगी। और उसके बाद देखिए सीढ़ियाँ भी मेरी पूरी तरह से क्लीन हो चुकी हैं क्योंकि मैंने सफाई कर दी थी, और यहाँ से बाथरूम के बाहर भी मैंने सारा क्लीन कर दिया था। और ये मैट्स मैंने ऐसे टांग दी थी जिससे पानी निकल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने मंगाया था मीशो से, और मैंने मंगाया था एक नेकलेस। क्योंकि जैसे बाहर कहीं जाना होता है शादी वगैरह में कहीं पे, तो आर्टिफिशियल नेकलेस हम लोग पहनते हैं, तो वैसे ही मैंने एक मंगा लिया था। तो मैंने जब मंगाया था तो मैंने अनबॉक्सिंग कर ली थी उसकी, लेकिन अब मैं उसको रिटर्न करूँगी। तो मैंने सोचा रिटर्न करने से पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या मंगाया था और मैं क्यों रिटर्न कर रही हूँ उसको। मैंने मंगाया तो था बहुत सोच समझ के, कि मुझे ना बहुत अच्छा लगा था ये वाला पीस, तो ये वाला पीस है वो, देखिए है ना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, ये मैं आपको डाल के भी दिखा देती हूँ पहले। तो नेकलेस तो अच्छा था इसका, नेकलेस तो अच्छा था, नेकलेस में कोई कमी नहीं थी। ये देखिए नेकलेस डालने के बाद भी ना गले में ऐसे आ रहा है लुक इसका, अच्छा लग रहा है। मतलब कहने का मतलब काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसका, गले में पूरा गला भर रहा है आपका, अच्छा आ रहा है, ठीक है। बट इसके जो एयरिंग्स थे ना, एयरिंग्स में प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मुझे ये रिटर्न करना पड़ेगा। एयरिंग्स देख लीजिए आप लोग, एक मिनट, ये देखिए एयरिंग्स में ना, एक में ना यहाँ पर स्टोन्स नहीं है लगा हुआ, जिसकी वजह से मुझे ये रिटर्न करना पड़ेगा। और ये स्टोन्स होना ज़रूरी था, वरना ये देखिए ख़राब लग रहा है, काफ़ी गंदा लग रहा है नेकलेस। तो इस एक इसकी वजह से ना मुझे ये वापस करना पड़ेगा, तो मैं इसे रिटर्न करूँगी। तो इसलिए सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, बता देती हूँ, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या मंगाया था, है ना। तो टंटना, मैंने बनाया डॉल, पेपर डॉल। अच्छा, दो प्लेट दो प्लीज। केचप ले लो। मेरी पेपर डॉल लेके भाग गया। बस हाँ, दिखा दूँ लड़की को। और इधर मैं खाना बना रही थी, और आज मैंने ना साड़ी पहन ली थी क्योंकि कई दिन ना मैं ये साड़ी ना कई दिन से रखी हुई थी। एक्चुअली मैं क्या कि मैं साड़ी को ना जब भी पहनती हूँ घंटे दो घंटे से ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, और इसी वजह से मैं ना साड़ी को दो तीन बार आराम से पहन लेती हूँ। तो मेरे को ये था कि एक दिन ही वॉश करूँगी, तो इसलिए मैंने ये साड़ी आज डाल ली थी। और यहाँ पर देख लीजिए सनी पड़ रहा है, और सनी कर रहा है ABCD। और यहाँ पर मुझे आप लोगों की एक एडवाइस चाहिए थी। सनी को ना अभी मैंने प्ले क्लास में एडमिशन कराया था, तो लेकिन इसको ना अब सब कुछ आता है, ABCD Z तक आते हैं, लिखने भी आते हैं, पहचान भी है और बोल भी लेता है ये, है ना। और 1 2 भी आते हैं इसे, 100 तक, लिखने भी और बोलने भी, है ना, और पहचान भी है इसको। तो इसी वजह से मैंने सोचा है इसको, मतलब कि इसे नर्सरी ना करा के इसको डायरेक्ट LKG क्लास में एडमिशन करा दूं, तो क्या ये सही रहेगा? आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्रॉपर लाइन में तो ये नहीं लिख पाता है, बट इसको लिखना आ गया है, सब कुछ पहचान लेता है, सब आता है इसको। तो यही चीज़ मुझे आप लोगों से पूछनी थी, क्योंकि नर्सरी क्लास में भी सिलेबस जो होता है मेरे ख्याल में ABCD Z तक होते हैं, 1 2 होते हैं, 50 तक, इसको 2 का टेबल भी आता है सनी को, इवन आपको मैं बताऊं तो इसको काफ़ी कुछ आता है नर्सरी क्लास का। तो इसीलिए मैं सोची थी नर्सरी क्लास इसकी पढ़ाकर इसको LKG में डाल देती हूँ, ताकि इसका 1 साल ख़राब ना हो, है ना। तो आप लोग मुझे बताना, ये ना मेरे बेटे की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि बोलता कम है, बाकी इसको आता सब कुछ है, सारे अक्षर की पहचान है इसको, लेकिन बोलता कम है, बस इसी बात का मुझे दुख होता है थोड़ा सा, क्योंकि 3.5 साल का होने जा रहा है और अभी तक बोलता नहीं है ठीक से। ऐसा नहीं है बोलता नहीं है, मतलब बोल लेता है, लेकिन ऐसे नहीं कि जैसे बच्चे कैच बोलते हैं ना कि मम्मी मुझे पानी चाहिए, या मुझे किसी ने मारा है, या ये सामान मेरा है,
तो ये चीज़ें बच्चे ना क्वेश्चन जो पूछते हैं या बोलते हैं इस टाइप से नहीं बोलता है, उसको जितना बोला जाता है ना उतने का ही आंसर देता है वो। ये चीज़ होती है देखो, इसको ना यहाँ पे ये भी पहचान है कि कितने हैं, कैसे लिखना है, सब कुछ इसको पता है। तो ये सब चीज़ें बच्चे को ना पता है, तो मैं ये सोच चुकी हूँ इसकी 1 साल बेकार करनी है। और आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या मैं सही करूँगी या गलत है इस तरह से। और यहाँ पर देखिए ना, लवी इसको कुछ ना कुछ काम देती रहती है घर में रहकर, तो बच्चे को ना इस तरह से नॉलेज रहती है। मैंने ना इसको काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से कराई हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें घर में ला कर दी हुई हैं जिससे बच्चा मेरा घर में रहकर पढ़ पाए। तो मैं आपको किस दिन ना अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी कि मेरे बच्चे के पास क्या क्या है या मैंने इसको क्या क्या दिलाया था जिससे कि वो अच्छे से पढ़ पाए घर में और इतनी कुछ नॉलेज उसे हो पाई है या वो सीख पाया है इन सब से। तो फ्रेंड्स, सारा काम निपटाने के बाद मैं लेट गई थी थोड़ी देर सनी को सुलाने के लिए, क्योंकि सनी की हो रही थी तबीयत ख़राब, इसी वजह से मैं उसके साथ लेट गई थी। और लेटने के बाद मेरा भी बिल्कुल भी मन नहीं करा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अभी अभी उठी थी। और उठने के बाद अभी बनाने वाली हूँ मैं चाय, और ऊपर से कपड़े वपड़े उतार के लाऊंगी, तो ये सारे काम मुझे करने हैं अभी। तो मैंने सोचा चलिए पहले ब्लॉग का ना एंड कर लेती हूँ अपना, और आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो पता है अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा, मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे थायराइड है। तो जो थायराइड के बारे में जब मैंने अपनी वीडियो डाली, तो मेरी एक रिलेटिव्स थी वो मेरी वीडियो देखती हैं, और वो देखकर एकदम से आई और कहने लगी मुझे लगा तेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो मैं देख के आती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि नहीं बुआ जी, इनकी इतनी भी तबीयत ख़राब नहीं है, वरना मैं काम कैसे कर पाती घर की अगर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तू ना, तुझे ना नज़र लगी हुई है। तो मुझे सुन के बड़ा शॉक लगा, उन्होंने बोला कि तू वीडियो डालती है ना तो तुझे नज़र लग गई है कि तू, सब लोग ये सोचते हैं कि तीन तीन बच्चों के साथ में अकेले तू घर और बाहर की जिम्मेदारी कैसे संभाल लेती है, कैसे कर लेती है इतने सारे काम। तो सब लोगों की ना नज़र लगी हुई है इसीलिए तेरे को, तो इसलिए तू ये सब चीज़ें मत डाला कर, ये सब चीज़ें मत दिखाया कर। तो मैंने उनको बोला कि मैं बुआ जी कुछ अलग नहीं दिखाती हूँ, मैं सिंपल से अपने ब्लॉग दिखाती हूँ, अपना स्टिचिंग का दिखा देती हूँ जो भी मेरा होता है स्टिचिंग वाला, कढ़ाई का, सिलाई बुनाई का, या फिर अपना क्लीनिंग का, या फिर कुकिंग का, यही सब तो होता है ब्लॉग में। आप लोग बताइए मुझे और क्या होता है ना। तो इसमें नज़र वज़र का तो मुझे नहीं लगता कि नज़र वज़र लगी है, ये तो सिर्फ एक लोगों की सोच होती है। सच बताऊँ ना, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती बिल्कुल भी कि नज़र लगी है या कुछ भी है। देखिए मैं कुछ अलग नहीं दिखाती अपनी वीडियोस में, मैं सिर्फ वो चीज़ें दिखाती हूँ जिससे कि लोगों को मोटिवेशन मिले या लोगों को कुछ सीखने के लिए मिले, सच बताऊँ तो, है ना। तो इस चीज़ का नज़र लगने से और ना लगने से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है सच बताऊँ। तो मैं थोड़ा सा यही बात बोल रही थी उनको भी। और अभी होली आने वाली है, तो होली के लिए भी मुझे आप लोगों के साथ एक दो DIY शेयर करने हैं। तो अभी मुझे क्लीनिंग भी निपटानी है अपने घर की सारी, तो आज मैंने इस वाले रूम की क्लीनिंग निपटा दी है सारी की सारी। तो अभी एक बार और पोछा लग झाड़ू पोछा लग जाएगा होली से पहले, और बाकी आज मैंने निपटा दी थी इसकी क्लीनिंग कमरे की। ऊपर छत, एक दिन छत को क्लीन करना है मुझे, और एक दिन किचन क्लीन करनी है, और एक दिन मुझे अपना रूम क्लीन करना है उधर वाला, और एक दिन मुझे विंटर्स के सारे कपड़े उठा कर रखने हैं। और फिर होली के लिए भी कुछ ना कुछ स्वीट डिश वगैरह तो बनानी ही है, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। देखती हूँ क्या बनाऊँगी, कुंचिया बनाऊँगी या रसमलाई बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मुझे अपने कान्हा जी के लिए ड्रेसेस भी बनानी है होली के लिए, होली स्पेशल। तो सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वीडियोस में आगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पकड़ती हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को भी आप लोग भी मत मानिएगा कि नज़र लगना या ना लगना, ये सब चीज़ें एक बहम होती है हमारे मन का, और कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए फिर इसी के साथ कर लेते हैं वीडियो का एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से एक प्यारे से ब्लॉग।